हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी को बिहार बोर्ड क्लास नाइन्थ बुक पनोरमा पार्ट वन का सेकंड चैप्टर ययाति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो मैंने अपनी पहली वीडियो में डाल दिया है। तो चलिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। ये कुछ मीनिंग्स है जिसे आप नोट कर लें, यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द स्टोरी ययाति? ययाति की कहानी को किसने लिखा? इस कहानी के लेखक कौन थे? सी राजगोपालचारी हैज़ रिटन द स्टोरी ययाति। सी राजगोपालचारी ने ही इस कहानी को लिखा। इस कहानी के लेखक सी राजगोपालचारी ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ एम्पेरर ययाति? यानी ययाति जो कि एक राजा था वो कौन था? एम्पेरर ययाति वाज वन ऑफ द वंसेस्टर ऑफ द पांडवाज। ययाति अपने पांडवास खानदान का एक राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ययाति बिकम ओल्ड? हु क्रस्ड हिम? यानी ययाति बुढ़ापे में कैसे आ गया और उसे किसने श्राप दिया? ययाति बिकम पेरमेंचरली ओल्ड फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवयानी। शुक्राचार्य क्रस्ड हिम। ययाति अपने बुढ़ापे में इसी कारण आया क्योंकि वह अपने पत्नी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता था और उसके पिताजी जो शुक्राचार्य थे उन्होंने उनको श्राप दिया, जिसके वजह से वो बुढ़ापे के एज में आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज पुरु? डिड ही एक्सेप्ट हिज फादर प्रपोजल? पुरु कौन था और क्या उसने अपने पिता के प्रस्ताव को स्वीकार किया था? पुरु वाज द यंगेस्ट सन ऑफ ययाति। पुरु अपने पिता का ययाति का सबसे छोटा बेटा था। यस, ही एक्सेप्टेड हिज फादर्स प्रपोजल। ही गेव हिम हिज यूथ एंड रिलीव हिम ऑफ द ओल्ड एज। उसने अपने पिता का प्रस्ताव स्वीकार किया था और उसने अपने जवानी अपने पिता को दे दी, ययाति को दे दी, और वह एक बुढ़ापे के एज में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एन ओल्ड मैन? एक बूढ़े व्यक्ति की लक्षण क्या है? आंसर, इन द ओल्ड एज स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी आर डिस्ट्रॉयड। एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड ए हॉर्स और एन एलिफेंट हिज स्पीच फिल्टर्स। यानी एक ओल्ड बूढ़ा आदमी का जो ब्यूटी होता है वो ख़राब हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है और वह घोड़े भी नहीं चढ़ा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड ययाति रिज्यूम हिज ओल्ड एज? ययाति अपने बुढ़ापे में वापस क्यों आ गया था? ययाति टुक बैक हिज ओल्ड एज एज ही हैड रियलाइज अनक्वेंचेबल नेचर ऑफ सेंसुअल डिज़ायर। ययाति अपने बुढ़ापे की अवस्था में इसलिए वापस आ गया था क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था। सो गाइज, इसी तरह मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें।